नमस्ते फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको जोड़ा ब्रोच या बन ब्रोच बताने जा रही हूँ, जिसके लिए हमें मोती, कुछ स्टोन की आवश्यकता है। आई पिन, वायर, अगर आपको आई पिन ना मिले तो इस वायर से ही फोल्ड करके आप आई पिन की तरह इस्तेमाल करिएगा। आप अपने डिज़ाइन को जिस तरह से भी डेकोरेट कर सकते हैं। स्टिक करने के लिए फेविक्रिल ग्लू, ग्लू गन और बेस के लिए बकरम इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं जुड़ा ब्रोच। सबसे पहले हम अपने डिज़ाइन के अनुसार बकरम को दो पीस काटेंगे। सबसे पहले बकरम में डिज़ाइन तैयार कर लेंगे, जैसा आपको चाहिए, जितनी लंबाई चाहिए। मैंने इस तरह डिज़ाइन तैयार किया है, तो इस लाइन से नहीं काटेंगे, उसे थोड़ा छोड़कर काटेंगे। तरह मैंने दो पीस काट लिया है, मार्जिन से बाहर मैंने हाफ इंच ज़्यादा काटा है। एक पीस लेंगे, इसमें आई पिन लगाएंगे, एक बीच में लगाएंगे, एक नीचे लगाएंगे और यहाँ पांच इस साइड लगाएंगे और यहाँ पांच लगाएंगे। फ्रेंड्स, फेविक्रिल ग्लू के बाद मैं एक क्विक फिक्स लाई हूँ ज्वेलरी चिपकाने के लिए। ये डेंड्राइट की ही तरह है, लेकिन ये ट्रांसपेरेंट है। डेंड्राइट में ज्वेलरी चिपकाने के बाद पीलापन आ जाता है, इससे नहीं आएगा। चलिए इसे चिपका कर देखते हैं। इसे चिपकाने में कोई भी सामान आप चिपकाइएगा तो 2 से 4 मिनट सूखने के लिए टाइम देना होगा, और उसके बाद ज़्यादा टाइम देना होगा, 6-7 घंटे, 5 घंटे इस तरह सूखने के लिए छोड़ दीजिएगा, ताकि हार्ड हो जाए काफ़ी। इसे आप खुला मत छोड़िएगा, 5 मिनट देखते हैं क्या इसका रिजल्ट आता है। देखिए, इस तरह मैंने 5 आई पिन इस साइड और इस साइड लगा लिए हैं, ऊपर नीचे भी आई पिन लगा लिए हैं। अगर आई पिन ना हो तो आप वायर से कैसे बनाएंगे, आइए बताती हूँ। इस तरह से छोटे साइज़ का वायर काट लीजिएगा, इतना बड़ा करीब, और उसे ऐसे फोल्ड कर लीजिएगा और इसे काफ़ी इस तरह से रोटेट कर लीजिएगा। रोटेट करने के बाद इस तरह से बन जाएगा, यहाँ से कट करके आप चिपका दीजिएगा। ये चिपक गया है फ्रेंड्स, अब इसे पलटी करके आगे का प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ। जब कंप्लीट हो जाएगा तो यूज़ करने के लिए हमें कम से कम 24 घंटे छोड़ना होता है, ताकि ग्लू अच्छी तरह सेट हो जाए। करीब 10-15 मिनट मैंने इसे ऐसे ही छोड़ दिया था, अभी ड्राई हो चुके हैं। चलिए आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। साढ़े 4 इंच लंबा है। अब आपको जिस चीज़ से सजाना हो उस तरह से आप पूरा डेकोरेट कर लीजिए।
इस तरह मैंने एक लाइन स्टोन से चिपकाया है। अब आगे का डिज़ाइन सजाऊंगी। इस तरह से पूरा डेकोरेट करेंगी। आपको इस तरह से लगाने के बाद हल्का हल्का प्रेस कर दीजिएगा। ये लाइन के बाद अब इस लाइन को कंप्लीट करेंगे। स्टोन सेट होने के बाद आपको जहाँ जहाँ लगे कि गैपिंग ज़्यादा हो गई है और स्टोन उसमें सेट नहीं हो पा रहा है, तो अगर आपके पास फेविक्रिल का ग्लिटर हो तो उसे आप डॉट डॉट की तरह वहाँ फिल कर दें ताकि आपको गैपिंग नज़र ना आए। या इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अभी इन आई पिन के लिए मोती की 5 लड़ियाँ तैयार करेंगे। इसे सूखने के लिए छोड़ दीजिए, तब तक ये सूखते रहेंगे। इस तरह वायर से 2 रिंग तैयार कर लेंगे। इस तरह के 2 रिंग तैयार कर लेंगे छोटे साइज़ के। और इस रिंग को अच्छी तरह चारों तरफ से लपेट कर टाइट कर देंगे और फिनिशिंग कर देंगे। इस तरह इसे अच्छी तरह फिनिशिंग कर देंगे ताकि इसके किनारे बाल में ना फंसे और चुभे ना। अगर इस तरह आप ना चाहे बनाना तो जंप रिंग हो तो उसे इस्तेमाल करें। अब मोती की लड़ी तैयार करेंगे। अब इसमें मोती डालेंगे। देखिए इस तरह से बना लिए हैं। अब जो रिंग तैयार की थी उस रिंग में इसे बांध देंगे। इस तरह से यहाँ लॉक कर देंगे और धागा तोड़ेंगे नहीं, यहीं एक बार फिर लॉक करके यहाँ से 1 या 2 मोती ज़्यादा बढ़ाकर यहाँ पर लाकर नॉट लगाएंगे। यहाँ 3 मोती ली थी, यहाँ 4 मोती ली हूँ। फिर गोल्डन मोती डालूँगी, फिर 3 मोती डालूँगी, उसके बाद फिर गोल्डन मोती, फिर 4 मोती डालूँगी। अब इसमें नॉट लगा दूँगी और कट कर दूँगी धागा। यहाँ कट कर दूँगी। थर्ड लाइन में फिर 1-1 मोती बढ़ा दूँगी।
इस थर्ड लाइन में यहाँ एक मोती बढ़ा दी हूँ, यहाँ एक मोती बढ़ाई हूँ और यहाँ एक मोती बढ़ाई हूँ। सेकेंड लाइन में नहीं बढ़ाई थी, दोनों सेम था लेकिन साइड साइड में एक एक बढ़ाई थी। आप अपने डिज़ाइन में सेट थोड़ा करके देखते जाइएगा कि आपको कितने मोती बढ़ाने हैं। चलिए अब फिर नॉट लगाते हैं। देखिए इस तरह से पांच लड़ी तैयार कर लेंगे और सेम यही इसी तरह यहाँ तैयार करेंगे। इस तरह देखिए दोनों तरफ मैंने मोती की लड़ियाँ लगा ली हैं। आप इसे बहुत ही संयम से करिएगा, हड़बड़ाइएगा नहीं, हड़बड़ी में क्योंकि गड़बड़ी हो जाती है। अब नीचे एक लटकन लगा देंगे, लटकन आप कुछ भी लगा सकते हैं, मेरे पास ये ब्रेसलेट का है मैं इसे लगा दूंगी। और यहाँ ऊपर पिन है जहाँ हम जोड़ा में सेट करेंगे, यू पिन की सहायता से यहाँ कुछ नहीं लगेगा। और यहाँ पर भी जोड़े पिन की सहायता से ही बालों में सेट करेंगे। जब ये अच्छी तरह कंप्लीट हो जाए पूरी तरह, तो बकरम का जो दूसरा पीस हमने काटा है उसे पीछे लगा देंगे। आप इसे ग्लू स्टिक से भी चिपका सकते हैं या फिर इससे भी चिपका सकते हैं, आपके जो पसंद हो उससे करिए। इस तरह मैंने पीछे लगा दिया, अब इसे सूखने देंगे। इस तरह से हमारा जूड़े के लिए ब्रोच तैयार हो जाता है। इसे मैंने चिपकाया है, उसे अच्छी तरह सूखने देंगे, उसके बाद इसे ट्राई करेंगे। आशा करती हूँ फ्रेंड्स मेरा ये डिज़ाइन आपको पसंद आएगा। पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि कैसा लगा। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ और आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।